Everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Gunjan's Classes. I'm Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part two of our chapter number two, acid, bases, and salts. So this is the chapter two of your class 10th, and we have already covered the part one video. In the part one video, let's recall what we have done. We have studied about the acids. Acids kya hote hain? उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उसके यूजेस को देखा था। तो अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेसिस के बारे में। सो बेसिस क्या होते हैं, उसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए आगे उसके कुछ यूजेस तक पहुंचेंगे और उसकी टाइप्स को हम लोग स्टडी करने वाले। सो आई एम हियर गोइंग टू रिकॉल यू, प्लीज वॉच दिस वीडियोस एंड देन गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक, बिकॉज आई एम फॉलोइंग योर एनसीईआरटी बुक एंड दैट इन सीबीएसई एग्जाम्स ऑल्सो द क्वेश्चंस दे कम फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। सो यू शुड नॉट लीव इवन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ओके? So after watching these videos, please read your NCERT. Okay, and let's start with our video. Let's start ki bases kya hote hain. To abhi humne baat kari thi ki acids jo hote hain wo sour hote hain taste mein, whereas jo bases hote hain wo bitter hote hain taste mein. ठीक है, और जब bases को water में dissolve करते हैं तो हमने बात करी थी, हमने बात की थी कि water जो है वो dissociate हो जाता है, जब वो किस किस में कन्वर्ट होता है, उसकी आयोनाइजेशन होती है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ठीक है, तो H पॉजिटिव कौन देता है, एसिड्स डिसोसिएट हो जाते हैं H पॉजिटिव, व्हेयरएज बेसिस डिसोसिएट होते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस में, हाइड्रोक्साइड आयंस में। ठीक है, तो ये आयन स्प्लिट हो जाते हैं जब इसकी डिसोसिएशन होती है, तो बेसिस का जो होता है सब्सटेंस क्या बनाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं। ओके, so these are the substances that forms hydroxide ions, then they are dissolved in water. Okay, ab hum baat kar lete hain iski physical properties ke bare mein. Physical properties mein kya kahenge, jo bases hai wo bitter in taste hote hain. Theek hai, likewise strong acids, strong bases bhi bahut corrosive hote hain. Theek hai, ye bhi aapas mein bahut zyada reactive hote hain. Theek hai, तो बहुत करोसिव होने का मतलब है रिएक्टिव होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस भी उतने ही हार्मफुल हैं जितने की स्ट्रॉन्ग एसिड्स हार्मफुल है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोक्साइड आयंस में ये डिसोसिएट होते हैं, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑल बेसिस, जो भी हम बेस को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या देगा, उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे। और अगर आप बात करें एसिड्स की, एसिड्स लिटमस पेपर को, लिटमस को कौन से कलर से कौन से कलर में चेंज करते हैं, एसिड्स करते थे ब्लू लिटमस टू रेड, और जबकि बेसिस उसके अपोजिट काम करते हैं, बेसिस करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू। सो ऑलवेज रिमेम्बर, एक को याद कर लीजिए, दूसरा उसके अपोजिट है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, आप इससे भी याद कर सकते हैं कि एक जस्ट ट्रिक कि बेस जो है बी से स्टार्ट होता है तो ये ब्लू कलर का बन जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का बन जाएगा, बी से स्टार्ट होता है तो ये ब्लू कलर इसका आ जाएगा, सो ये रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि एसिड इसके अपोजिट होगा, वो ब्लू टू रेड होगा। ओके, देन हम अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ये स्लिपरी होते हैं थोड़े से टच, अगर आप इसको टच करेंगे तो दे आर सम सोपी इन टच। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी दे हैव। एंड देन व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह ही है, जब इसको आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं, जब उसको वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो वो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। लाइकवाइज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी सारे के सारे ही आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है, जिसके कारण कंप्लीट आयोनाइजेशन हो गई वाटर के अंदर, तो आयंस के पास बहुत सारे आयंस होंगे आपस में रिएक्ट करने के लिए, जिसके कारण
स्ट्रॉन्ग बेसिस भी बहुत डेंजरस होते हैं बिकॉज दे कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू द आयंस इन द वॉटर. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं? एक हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक हो गया हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो दीज आर सम ऑफ दी बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो दीज आर सम ऑफ दी स्ट्रॉन्ग बेसिस वी हैव. सो दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ योर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड सो लाइक लास्ट वीडियो. तो बस हम वहां पे एसिड्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बेसिस की बात कर रहे हैं. तो जो चीजें हैं वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस की सिमिलर हैं, बट जो डिफरेंसेस हैं उनको आपको समझना है और उनकी एग्जांपल्स को भी आपने अच्छे से स्टडी करना है. ओके, देन हम बात कर लेते हैं अब स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस के बारे में. तो वीक बेसिस अब आप मुझे बताइए कि कौन से होंगे जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, पार्शली डिसोसिएट होते हैं, और जिसके जो लेस डेंजरस होते हैं बिकॉज लेस रिएक्टिव होंगे, कम आयंस अवेलेबल हैं तो वो कम रिएक्ट करेंगे इसलिए वो लेस डेंजरस होंगे. और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया. सो ये कुछ वीक बेसिस हैं जो वीक बेसिस हैं, लेस रिएक्टिव हैं, लेस डेंजरस, ठीक है. उसके बाद हम कॉमन बेसिस को अगर देख ले तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने इनके नाम लिए हैं और राइट हैंड साइड पे मैंने इनके फॉर्मूलाज लिखे हैं. तो केमिकल फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए. आप इस टेबल को देखिए, इस टेबल को अपनी नोटबुक में एक बार खुद से राइट डाउन कीजिए. देन व्हेन यू राइट डाउन टू टू थ्री टाइम्स समझ के, सोडियम क्या होता है, एन ए, सोडियम इज एन ए, एंड हाइड्रोक्साइड हमारा बेस हो गया तो ओ एच, पोटेशियम क्या होता है के, हाइड्रोक्साइड क्या हो गया ओ एच, कैल्शियम क्या होता है सी ए, हाइड्रोक्साइड इसके साथ जो फॉर्मूला बन जाता है तो ओ एच टू. तो यू हैव टू सी दिस कि किसमें कैसे लिखा जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि समटाइम्स इन योर एग्जाम्स मे बी नेम्स वर नॉट रिटन, मे बी दे विल राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड देन आस्क द क्वेश्चंस. Then don't get confused. आपको आता होगा बट आपको करने में मुश्किल आएगी बिकॉज आप समझ ही नहीं पाओगे कि केमिकल फॉर्मूला किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं. You should know them. Okay. Then हम बात कर लेते हैं बेसिस के यूजेस के बारे में. अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो एज अ क्लीनर्स, फर्टिलाइजर्स के तौर पर हम लोग इनको यूज करते हैं. देन सोडियम हाइड्रोक्साइड और अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये सोप्स में यूज होता है, सोप्स इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, या जो ड्रेन है उनके क्लीनर्स में इसको बहुत तरह से यूज किया जाता है. देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड्स को, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको. तो एज एन एंटा एसिड काम करता है, जब एसिडिटी हो जाती है तो समटाइम्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी दिया जाता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो जब भी कहते हैं कि जो आप लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट जो है अच्छी क्वालिटी का यूज करना चाहिए, और उस टूथपेस्ट में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो उससे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है. देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्लेट लाइम, ये किसको न्यूट्रलाइज करता है, एसिड्स को. सिमिलरली जो हमारे एसिडिक सॉइल्स में जो एसिड्स पाए जाते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है. जस्ट टू न्यूट्रलाइज द एसिड हम लोग क्या यूज करते हैं, बेस, जिसको हम एंटासिड भी बोलते हैं. ओके, so these are some of the uses of the bases. Then let's come to the last topic of this video, of this part, that is types of bases. So types of bases mein ek water soluble hote hain, ek water insoluble hote hain. Water soluble jo water mein soluble pure ho jate hain, ek jo water mein soluble nahi hote. To water mein jo soluble hote hain unko hum log kya bolte hain, alkali, unko kya bola jata hai, alkali. So alkali base se thode se different hote hain. Base दो तरह के हैं, बेस वाटर में सॉल्युबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. बट एल्कली कौन से हैं, एल्कली वो हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं. और कौन से होते हैं, दे आर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. जब हम आपका पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि एल्कली कौन से हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं, तब आप इससे रिलेट कर पाओगे इस चीज को कि जो हाइड्रोक्साइड एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनको टुगेदर क्या बोला जाता है, एल्कली. और कुछ एग्जांपल्स इनकी दे रखी हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है.
दिस कवर्स योर बेसिस की बेसिस होते क्या हैं, टाइप्स क्या होती हैं, यूजेस क्या हैं, ओके स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या हैं, वीक बेसिस क्या हैं, तो हमने इस पार्ट में इस बारे में सीखा. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे. इंडिकेटर्स होते क्या हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स की टाइप्स क्या होती हैं, देन पीएच, पीएच अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमें क्या पता पीएच है क्या, पीएच चलो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि पीएच क्या. ओके सो दिस कवर्स योर दिस पार्ट. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, तो आई आंसर योर क्वेरीज. ओके देन इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन. Thank you so much. See you tomorrow. Bye-bye. Till then, take care.